अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के चौंके होंगे कि एक लफ्ज से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। यस, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एक अल्फाज पर मुश्तमल होते हैं, तो एक लफ्ज में पूरा एक एक्सप्रेशन होता है। जिस तरह एक एक्सप्रेशन है त्वजा फरमाए, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होगा जिससे पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो आपको इस तरह के अल्फाज आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो अगर आपको इन तमाम अल्फाज की इंग्लिश आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन एक एक अल्फाज से इंग्लिश में पूरा एक्सप्रेशन क्लियर हो जाता है। तो अगर आप भी इस तरह के अल्फाज और इस तरह से रिलेटेड और भी अल्फाज की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कहना हो दबाओ तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पुश, पुश। और अगर कहना हो खेंचो, किसी चीज को खेंचो, तो उसके लिए एक ही इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे पुल, पुल। और अगर आपने कहना हो इंग्लिश में त्वजा फरमाए, तो उसके लिए भी एक ही इंग्लिश का वर्ड है अटेंशन, अटेंशन। अगर आपने इंग्लिश में कहना हो किसी को सोचो, तो इस तरह कहेंगे इमेजिन, इमेजिन। वाकई आप हैरानगी से किसी से पूछते हैं कि वाकई ही ऐसा है, तो वाकई ही को इंग्लिश में कहेंगे रियली, रियली। याद रखें, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिमेंबर, रिमेंबर। खामोश, इसके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है क्वाइट, क्वाइट। कभी नहीं, आपसे कोई कोई बात करता है तो आप आगे से कहते हैं कभी नहीं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नेवर, नेवर। ठंडे हो जाओ, कोई गुस्से में है तो आप उसे कहते हैं ठंडे हो जाओ, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड से आप ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। खैर, आप बात करते करते कहते हैं खैर ऐसा तो नहीं हुआ, खैर, तो इस खैर को इंग्लिश में कहते हैं एनीवेज, एनीवेज। हो गया, आपसे कोई पूछता है कि मैंने तुझे एक काम कहा था, हो गया है, तो आप आगे से कहते हैं जल्दी से हो गया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डन, डन। समझ आ गया, ये आप किसी से एक सवाल पूछ रहे हैं या कुछ आपने उसको समझाया किसी दूसरे बंदे को, और फिर आप क्लैरिफाई करने के लिए पूछते हैं समझ आ गया, तो इसके इंग्लिश में कहेंगे क्लियर, क्लियर। फ्रेंड्स, दिस इज आवर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस तरह के अगर आप भी एक लफ्ज पर मुश्तमल अल्फाज की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। आई विल बी देयर to tell you the English of such words. So, हमारे चैनल को देखते रहें ताकि आप भी लगातार इंग्लिश सीखते रहें। Thanks for watching the video.